स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। पेज 13 है। आज हम क्वेश्चन सी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सी की हम रीडिंग करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, ठीक है। सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। अब फर्स्ट है, नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना होता है, ठीक है। सिंपल, अभी आपने ये इस बात समझनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव है हमारे पास, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक। नेगेटिव सेंटेंस में इसका आंसर क्या बनेगा, इट हैज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग नेक। क्या आ गया, इट हैज़ नॉट लग गया, ठीक है, अ वेरी लॉन्ग नेक। सेकेंड है, दे आर अ टिमिड क्रिएचर। आंसर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस अब क्या आ जाएगा, दे आर नॉट टिमिड क्रिएचर। थर्ड है, इट इज़ द लाइनस। क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट द लाइनस। फोर्थ है, लाइन्स हंट इन ग्रुप। क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या आ जाएगा, लाइन्स डू नॉट हंट इन द ग्रुप, ठीक है। अब आपने अपनी कॉपीज पर कैसे करना है, आपने क्वेश्चन लिखना है, पहले फॉर्मेट रेडी करना है, ठीक है। डेट डे क्लास वर्क की ये करने के बाद आपने क्वेश्चन लिखना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ आपने लिखना है फर्स्ट लाइन पर, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है नेगेटिव, ये लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है छोटा सा मैंने NEG, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने उस सेंटेंस उस लाइन पर आपने ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस जो है वो लिख देना है, ठीक है। या आपने नीट कॉपीज़ पर इस तरह का वर्क इस तरह करके वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, कंप्लीट द वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है FIERCE, फियर्स। नेक्स्ट है लाइनस, LINESSES. नेक्स्ट है HNT, MNEMAN, BLODBLOD, ब्लड। SOME, TIMES, CREATURES, क्रिएचर्स। TWIGS, ट्विग्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डेट का वर्क यहाँ तक डन है, ठीक है। आपने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर ये वाला क्वेश्चन नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपने डी वाला वो अपनी कॉपीज के ऊपर नहीं करना, जस्ट सी क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर नीट एंड क्लीन करना है।